हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त और झकास तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा जैसा कि पता है कि हम लोग का चैप्टर चला था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अर्थात हम लोग का चैप्टर का टॉपिक क्या चल रहा था? निर्देशांक ज्यामिति। हम लोग का यहाँ पर चैप्टर चल रहा था जिसमें हम वीडियो के थ्रू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे, और इन क्वेश्चन के थ्रू हम टॉपिक के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। हालांकि मैंने इंट्रोडक्शन में टॉपिक का एक एक चीज आपको बता रखी, ये फॉर्मूला कैसे लगे, कैसे आएगा, उन क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो अब देखो बेटा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहा है? पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4, -3 एंड 8, -5 इन द रेशियो 1, 3। तो कह रहे हैं कि हमको उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो रेखा हमको जो लाइन, जैसे मान लो क्या बेटा, ये कोई आपकी लाइन रही होगी, ठीक, तो आपका एक पॉइंट दे रखा है ये 4, -3, और बी आपको दे रखा है, ठीक है, 8, 5। 8, 5 दे रखा है। कह रहा है मान लेते कोई आपका पी पॉइंट यहाँ पे रहा होगा, तो हमसे कह रहा है पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। तो हम मानेंगे पी के कोऑर्डिनेट कर जाएंगे x, y। हम मान लेंगे कि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अर्थात पी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x, y हो जाएगा। और डिवाइड किस में कर रहा है? ए पी हमको एक दे रखा है, पी बी हमको दे रखा। कह रहा है जो ये पॉइंट है ना, ए बी को 1:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, मतलब 1:3 के रेशियो में पी ए बी को डिवाइड कर रहा है। तो जाहिर सी बात, अगर बेटा इंटरसेक्शन फॉर्म लगाओगे, सेक्शन फॉर्मला यहाँ पर लगाओगे, तो हमको देखो बेटा इसको हम क्या मान लेंगे, ए जो आपका है इसको मान लो x1, ये आपका हो जाएगा y1, इसको मान लो x2, ये आपका हो जाएगा y2, ठीक है, x वाई का हो जाएगा, तो इसको इसको m मान लो, इसको n मान लो। तो देखो इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बोल दिया, आप लोग अच्छे से इसको लिख लेना। आप लोग क्या लिखोगे? लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पी x, y चाहो तो यहां पर लिख लो, ठीक है, बारे में लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पी क्या हो जाएगा? x, y हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, यूजिंग, अच्छा जो गिवन है यहां पर लिख लो थोड़ा सा। ए हमको दे रखा है 4, -3, ठीक, बी हमको दे रखा है 8, 5 दे रखा है, एम की वैल्यू हमको 1 दे रखी है और एन की वैल्यू हमको यहाँ पर 3 दे रखी है। ए बी और एम ओ एन आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो इसमें फॉर्मूला, फॉर्मूला का हम क्या लिखेंगे, यूजिंग यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स आपका हो जाएगा एम x2 प्लस का एन x1 अपान में क्या आ जाएगा, एम प्लस का एन आ जाएगा। वाई तुम्हारा क्या आ जाएगा, एम y2 प्लस का एन y1 अपान का एम प्लस का एन आ जाएगा। भाई देखो फॉर्मूला तभी याद होंगे जितनी बार सवाल लगा उतनी बार फॉर्मूले आप लोग लिखते जाओ। और ध्यान देना जिसको ये क्वेश्चन आते होंगे वो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वीडियो मत देखो, आगे बढ़ जाओ। तो क्या जाएगा हमको एक्स वाई यहाँ पर पॉइंट निकालना है, पी हम निकालना है यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा देखो, अब वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स आपको ऐसे लिखा जाएगा, एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम की वैल्यू 1, 1 × x2 कितना आपका आ जाएगा, 8 आ जाएगा, प्लस एन, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी, x1 आपका 4 आ जाएगा, और एम प्लस का एन तो 3 + 1 कितना आ जाएगा आपका, एम प्लस एन आपका 4 आ जाएगा। और y कैसे निकालोगे, m की वैल्यू आपकी यहाँ पर 1 आ जाएगी, y2 कितना आ जाएगा, y2 5 आपका आ जाएगा, प्लस n, n की वैल्यू 3 रहेगी ना, हाँ, y1 कितना आ जाएगा, y1 हम लोग का यहाँ पर -3 आ जाएगा, और m प्लस n आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी ये 9, और प्लस का 4 × 3 = 12 आपका हो जाएगा, बटे आपका 4 हो जाएगा, तो 12 × 9 कितना आ जाएगा, 12 × 9 आपका 21 आ जाएगा। एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21/4, 21/4 आ जाएगा। अच्छा वाई को सॉल्व करोगे तो
तो पांच आपका आ जाएगा और कितना आ जाएगा तीन, पांच इधर आ जाएगा और माइनस का नौ आ जाएगा। देखिए यहाँ सही किए हैं ना, तीन चौक बारह, अरे भाई आठ हो गया यार, आठ करना माठ हो जाएगा ना, तो कितना जाएगा आपका बीस यहाँ पे आएगा, बीस आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर आपकी, पाँच आ जाएगी। अभी गलत हो जाता इसलिए कभी कभी चेक कर लिया, चेक कर लिया लेते हैं। अब यहाँ देखो पाँच करना पाँच आ जाएगा, तीन तीन नौ आ जाएगा, ये आपका चार आ जाएगा। तो माइनस का नौ प्लस का पाँच, तो माइनस का चार अपान का चार कट कर लो, माइनस का एक आ जाएगा, तो वाई की वैल्यू आपकी माइनस का वन यहाँ पर आ जाएगी। देखो एक्स का एक्स की वैल्यू पाँच, वाई की वैल्यू माइनस का वन, तो हमको पी के कॉर्डिनेट हमको क्या मिल जाएंगे, हमको पी मिल कितना मिल जाएगा, पी मिल जाएगा आपको पाँच कामा माइनस का एट। और ध्यान देना ये वही पी कितना जाएगा, ये पाँच कामा माइनस का एक, ये वही पॉइंट हो जाएगा जो ए बी को वन रेशियो थ्री के रेशियो में डिवाइड करेगा। पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा, अपने सेकंड क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, बाकी पेपर तो आपका बचा है, लगभग दो महीना बचे हैं, तो फिर इंसॉर्ट थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगी, परेशान ना होना, भरोसा रखो सब खत्म करेंगे एक एक चीज। हम लोग क्वेश्चन नंबर टू पर यहाँ पर पहुँचते हैं। तो टू कह रहा है इन विच इन सॉरी कह रहा है इन वॉट रेशियो, अब किस रेशियो कह रहे हैं इन वॉट रेशियो डज द पॉइंट माइनस फोर कामा सिक्स डिवाइड द लाइन सेगमेंट द पॉइंटिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी आपको दे रखा कह रहा है। अब इसका अगर फिगर ड्रॉ करोगे इसे तो कहा जाएगा ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। तो आपको ए दे रखा है माइनस छः कामा दस दे रखा है, बी आपको दे रखा है, बी आपको दे रखा है यहाँ पर है तीन कामा माइनस का आठ दे रखा है। तो कह रहा है मान लेते हैं कोई कहा जाएगा आपका, कोई आपका पी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो कह रहे हैं पी के अगर कोऑर्डिनेट माइनस चार कामा छः है तो बताओ पी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हम लोग मान लेंगे कि ये एम और एन रेशियो में यहाँ पर डिवाइड करेगा, एम एन रेशियो में डिवाइड करेगा। ध्यान देना आपको ये एक्स एक्स हो जाएगा, ये आपका वाई हो जाएगा, एक्स वन वाई वन एक्स टू ये आपका हो जाएगा, ये आपका वाई टू आ जाएगा। अब देखो चाहो तो इनकी वैल्यू यहाँ पर लिख लो, तो ए कितना आपको दे रखा है माइनस छः कामा दस दे रखा है, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स वन, ये आपका हो जाएगा वाई वन। बी आपको दे रखा है तीन कामा माइनस का आठ, यह हो जाएगा एक्स टू, ये आपका हो जाएगा वाई टू। और पी आपको दे रखा है यहाँ पर है माइनस चार कामा छः, हो जाएगा ये एक्स, ये आपका हो जाएगा वाई। आपसे आपको निकालना क्या है, आपको एम निकालना है और आपको यहाँ एन निकालना, मतलब रेशियो निकालना किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम लोग यहाँ हम लोग क्या रखेंगे, यूजिंग यूजिंग चल रहा है माइक, हाँ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बहुत तकलीफ होती है जब बेटा माइक बंद हो जाता है। जब यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला जब लगाओगे तो अब क्या हो जाएगा, एक्स क्या आ जाएगा एम एक्स टू प्लस का एन एक्स वन अपान का एम प्लस का एन। फॉर्मूला याद करने की निंजा टेक्निक क्या होती है कि आप लोग जितनी बार फॉर्मूला यूज होती है हमारा फॉर्मूला यहाँ पर लिखते जाओ, हमको भी ऐसे याद हुआ ना, हम भी पढ़ने में इतने अच्छे थे, हमारे टीचर देख रहे होंगे कह रहा क्या पढ़ा रहा भाई साहब। अब यहाँ देखो इधर, ठीक है वैल्यू पुट कर लो, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का फोर आ जाएगी। अब ध्यान देना इसको मत सॉल्व करना, इसी से आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। भाई आपको एम अपान का एन निकालना है ना, एम रेशियो एन आपको निकालना है, वो आपको यहाँ पर निकाल के दिखाएंगे। तो एक्स की वैल्यू आपकी फोर आ जाए, माइनस का फोर आ जाएगी, एम की वैल्यू पता नहीं है, ठीक। और एक्स टू की वैल्यू, एक्स टू एक्स टू एक्स टू की वैल्यू तीन दे रखी है, तो आपका इन टू थ्री आ जाएगा, प्लस का एन, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू नहीं पता है। और एक्स वन की वैल्यू दे रखी है आपको माइनस का सिक्स दे रखी है, और ये एम प्लस का एन आपका ऐसे लिखा जाएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये माइनस का फोर एम और माइनस का फोर एन आपका यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल कितना जाएगा, ये आपका जाएगा थ्री एम और ये माइनस का सिक्स एन यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो एम एम वाला कर लो एक तरफ और एन वाला कर लो एक तरफ, जब एम आप ये आपका देखो बेटा क्या जाएगा, जब आपका क्या हो जाएगा, हाँ इधर एम को ले आओ इस साइड, तो कितना जाएगा फोर एम प्लस का थ्री एन, और माइनस का सिक्स एन आप जाएगा, जब बाई हो जाएगा तो सिक्स एन और माइनस का आ जाएगा फोर एन, तो आपका बचेगा टू एन, इक्वल कितना आ जाएगा ये
एम आ जाएगा ना, देखो हाँ एम रहेगा भाई, क्या है गलती करा के भैया, गलती नहीं होना। देखो तो एम अपान एन, एम अपान एन की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एम अपान एन तो क्या जाएगा 2/7। तो अपान में क्या इसको रेशियो लिखते हो, तो एम रेशियो एन की वैल्यू क्या जाएगी 2:7। हमको रेशियो यहाँ पर तो पूछा गया था, हमसे रेशियो तो पूछा, फाइंड द रेशियो हमसे पूछा गया था, इन व्हाट रेशियो, तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा 2:7। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि पी ए बी को 2:7 के रेशियो में डिवाइड करेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर समझ समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन अपने हम थर्ड क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं, इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए स्पीड से, आप लोग को लगेगा नहीं आपका चैप्टर पूरा, आपका कोर्स पूरा खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा ना। देखो जो क्वेश्चन होंगे उनको रफ कर दें, देखने में थोड़ा सा बोर्ड अच्छा लगे, हालांकि अच्छा भी लग रहा है लेकिन थोड़ा सा ये मिट जाएगा तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ अ ट्राइसेक्ट, वगैरह पॉइंटिंग पॉइंट्स डिवाइडिंग इन थ्री इक्वल पार्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए कॉमा बी। कह रहा है कि आपको क्या, देखो यहाँ लाइन आपको दे रखी है, ये आपका ए हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा। कह रहे हैं तो ए के मान लो करने से 2 - 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 7/4 यहाँ पे आ जाएगा। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्टिंग, ठीक है, ऑफ द लाइन सेगमेंट, मतलब उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जो ए बी को ट्राइसेक्ट करते हैं, इट मींस क्या हो जाएगा और इक्वली ट्राइसेक्ट करते हैं। तो हम मान लेंगे ये बी हो जाएगा, ये आपका क्यू हो जाएगा। अब देखो ये पी और क्यू, पी क्यू दो पॉइंट होंगे जो ए बी को 3 इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं, ए पी रेशियो पी क्यू रेशियो बी क्यू आपका हो जाएगा, डिवाइड करते हैं वो भी इक्वल रेशियो है। तो जाहिर सी बात है अगर ए पी आपका 1 होगा ये भी आपका 1 हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा। अब ध्यान देना जब हम लोग पी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इसको हम मान लेंगे एक्स, ये आपका हो जाएगा वाई हो जाएगा। अब ध्यान देना इस समय एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 आ जाएगी और पी भी पूरा हो जाएगा ना, तो एन कितना आ जाएगा, एन आपका यहाँ पर, एन आपका बेटा यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा एक्स वन वाई वन, ये आपका हो जाएगा एक्स टू कॉमा वाई टू आ जाएगा। अब बेटा ध्यान देना अगर लिखोगे तो ए आपको दे रखा है 2 - 2 दे रखा है, तो हो जाएगा एक्स वन, ये आपका हो जाएगा वाई वन। बी आपको दे रखा है 7/4 आपको दे रखा है, ये आपको हो जाएगा एक्स टू, ये आपको हो जाएगा वाई टू। और पी आपको दे रखा है x, y, हमको वही यहाँ पे निकालना है, हमको पी निकालना है, ठीक। और m बराबर हमको दे रखा है 1 और n बराबर 2 हो जाएगा। भाई 2 कैसे आ जाएगा फिर से एक बार चलो हम देखते हैं। भाई देखो ए पी पी क्यू और बी क्यू इक्वल रेशियो में है, तो ए पी अगर 1 होगा पी भी पी, ये आपका बी क्यू आपका 1 हो जाएगा, पी क्यू आपका 1 हो जाएगा और बी क्यू भी आपका 1 रहेगा। भाई चाहो तो आप एक्स 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 मान सकते हो, बात आपकी आंसर आपका वही आने वाला है, ठीक है। तो रेशियो इक्वल है तो हम 1 ही मान लेते हैं। अब यहाँ देखो इधर क्या करेंगे हम लोग, इसमें करेंगे यूजिंग क्या हो जाएगा, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। जब चलो मैं ना, हाँ जब सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका हो जाएगा एम एक्स टू प्लस का एन एक्स वन अपान में क्या आ जाएगा एम प्लस का एन आ जाएगा, वाई कितना आ जाएगा एम वाई टू प्लस का एन वाई वन अपान में क्या आ जाएगा एम प्लस का एन आ जाएगा। तो एक्स हमको निकालना है, एक्स आपको ऐसे लिखा रहेगा एम की वैल्यू 1 तो 1 आपका ऐसे लिखा रहेगा, प्लस एक्स टू की वैल्यू -7 तो आपका जाएगा ये -7 आ जाएगा, प्लस एन एन की वैल्यू 2 और एक्स वन की वैल्यू 2 आपका 2 आ जाएगा, अपान में क्या जाएगा एम प्लस का एन कितना जाएगा, ये आपका देखो एम 1 एन 2 तो 3 आपका आ जाएगा। ऐसे अगर वाई करोगे आपका वाई, तो इसको अगर सॉल्व करोगे कितना जाएगा -7 + 4 अपान में कितना जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये -3 / 3 कट कर लो तो ये -1 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमको x कितना मिल जाएगा -1 मिल जाएगा। अब y को सॉल्व करोगे तो y में m की वैल्यू 1, y2 कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, y2 प्लस का n की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। और y1 कितना आ जाएगा, y1 आपका
टू आ जाएगा, वाई वन आपका माइनस का टू आ जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा एम प्लस का एन, तो टू प्लस का वन कितना जाएगा थ्री आ जाएगा नीचे, तो ये आपका फोर रहेगा, प्लस ये कितना रहेगा आपका, ये आपका माइनस का फोर रहेगा, तो इक्वल कितना आ जाएगा तीन रहेगा इधर आपका, तो वाई की वैल्यू सॉल्व करोगे आपकी जीरो ही आ जाएगी। तो पी के हमारे कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, पी अगर यहाँ पर पी बटा लिखोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का वन कामा जीरो, क्या आ जाएगा माइनस का वन कामा जीरो आपका आ जाएगा। तो भाई पहला हमको पॉइंट है पी, जो आपका देखो पी और क्यू आपके दो पॉइंट थे जो बी को ट्राइसेट कर रहे थे, एक दो तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, तो पी के हमारे कोऑर्डिनेट क्या माइनस वन कामा जीरो आपका हो जाएगा। अब क्यू की बात करते हैं तो इसको यहाँ पर हम लोग रफ कर देते हैं, ना जगह नहीं बची, जगह नहीं बची भाई साहब, तो इसको हम रफ कर देंगे फिर से इसको पॉइंट ले लेंगे। अब ध्यान देना, अब देखो जब बेटा क्यू पॉइंट की बात करोगे, और देखो इसको क्या मान लो, इसको एक्स कामा वाई मान लो, एक्स टू वाई कैसे लिखा रहेगा, ध्यान देना। अब ए क्यू और ये आपका बी क्यू निकालना है, तो ए क्यू आपका एम कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका भाई वन प्लस वन कितना टू आ जाएगा, और एन कितना रहेगा, एन आपका यहाँ पर इस समय वन रहेगा। तो देखो इधर तो क्या ए, अगर चाहो तो यहाँ पर आप कुछ ना लिखो, हम क्या लिखेंगे यूजिंग, भाई सिंपल सा सवाल था हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, यूजिंग सेक्शन फार्मूला, बाकी सब पर लिखा गया एक्स वन एक्स टू सब रख क्या है, ठीक, यूजिंग सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो एक्स आपका हो जाएगा एम एक्स टू प्लस का एन, एक्स वन अपान में क्या आ जाएगा एम प्लस का एन आ जाएगा, ठीक, ये कितना आ जाएगा वाई वाला फॉर्म में क्या आ जाएगा वाई एम वाई टू प्लस का एन वाई वन अपान का एम प्लस का एन आ जाएगा। तुमको इसका एक्स, ये क्यू के लिए है, क्यू के वो पी के लिए था, ये क्यू के लिए है, तो देखो क्या आ जाएगा एक्स आपका ऐसे लिखा रहेगा, एम की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी टू आ जाएगी, इंटू एक्स टू कितना आ जाएगा, एक्स टू आपका यहाँ पर एक्स टू आपका, एक्स टू आपका माइनस का सेवन रहेगा, तो माइनस का सेवन आ जाएगा, प्लस एन, एन की वैल्यू वन रहेगी, एक्स वन आपका यहाँ पर टू रहेगा, अपान में एम प्लस का एन, देखो पूरा तो पूरी डिस्टेंस तो आपकी हमेशा थ्री रहेगी ना, तो एक्स कितना सॉल्व करने पर आ जाएगा, देखो माइनस का सेवन प्लस का इंटू टू कितना माइनस का फोर्टीन आ जाएगा, माइनस का फोर्टीन प्लस का टू अपान का थ्री रहेगा, तो माइनस का ट्वेल्व अपान का थ्री कर लो डिवाइड, तो माइनस का फोर एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, एक्स की वैल्यू माइनस का फोर निकलेगी, मार्कर थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आपकी माइनस का फोर आ जाएगी। अच्छा जब वाई वाला सॉल्व करोगे तो एम की वैल्यू आपकी टू आ जाएगी, वाई टू आपका फोर दे रखा है, प्लस का एन, एन की वैल्यू आपको दे रखी है वन, वाई वन आपको माइनस का टू दे रखा है, तो एम प्लस का एन, एम प्लस का एन कितना जाएगा, एम प्लस का एन लिखोगे आपका थ्री यहाँ पे रहेगा, तो y कितना आपका आ जाएगा चार दुनी आठ आपका आ जाएगा, ये कितना जाएगा माइनस का टू रहेगा इधर आपका, इतना पर रहेगा, तो कितना जाएगा आठ में से दो जाएगा छः बचेगा, छः बटे तीन डिवाइड कर लो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आपकी यहाँ पर टू आ जाएगी, आपको दिख रहा होगा टू ना, और मार्कर और मार्कर और मार्कर, इतने मार्कर की फैक्ट्री लगी हुई है, वो बहुत मार्कर है, देखो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, y की वैल्यू यहाँ पर आपकी 2 आ जाएगी, और x की वैल्यू यहाँ पर 4 आपकी आई थी, तो q के कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे यहाँ पर, अगर लिखोगे यहाँ पर तो माइनस का 4 कामा 2 क्या जाएगा, ये आपके q के जय हो गया, q के कोऑर्डिनेट आपके आ जाएंगे। भाई p q हमको निकालना, तो हम यहाँ पर ऐसे निकाल लेंगे, दोस्तों मैं भी करता हूँ कि थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, इसको यहाँ पर थर्ड आपको लिखना था ना, थर्ड वाला क्वेश्चन था, अपने क्या करते हैं हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलते हैं, इसको यहाँ पर रफ करते हैं, देखिए चल रहा है ना माइक, यस ब्रो माइक 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 माइक, क्वेश्चन नंबर थर्ड की फोर्थ चलते हैं, फोर्थ की ओर, अब थर्ड तो आपका हो ही गया, और थर्ड को यहाँ से रफ भी कर देते हैं, देखो इधर क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है, आहा मम्मी क्वेश्चन फोर कह रहा है फाइंड द
रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5.6 एंड -1.-4 आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कह रहा है कि जैसे आपको कह रहा है कि हाँ क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द रेशियो। देखिए मान लो समझो इधर इसको समझो इधर इस फिगर समझो, यहाँ पर कह रहा है कि उस रेशियो को फाइंड करिए, उस रेशियो को मतलब अनुपात बताना है किसका, वाई एक्सिस कह रहे हैं विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन वाई से ना, ये आपकी लाइन, ये आपकी वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस आपका हो जाएगा, वो किसको डिवाइड कर रहा है 5.6। तो भाई मान लो 5.6 दोनों प्लस में आपका हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 1.-4 ये थर्ड में आपका आ जाएगा। तो मान लो ये ऐसे जा रहा होगा, तो देखो ये वाई एक्सिस पर ये पॉइंट बताना है कि वाई एक्सिस का वो पॉइंट बताओ। भाई देखो कह रहे हैं थोड़ा सा अच्छा बनाए इसको और अच्छा सा मस्त, देखो इधर तो ये 5.6 मान लो यहाँ कोई पॉइंट रहा होगा, ऊपर रहेगा भाई, ये मान लो यहाँ बेटा 5.6 कोई पॉइंट रहा होगा, और माइनस का 1.-4 तो मान लो ये पॉइंट यहाँ रहा होगा, ऐसे मिलाओगे ऐसे तो ये वाई एक्स को मान लो यहाँ पे कट करता है। तो हमको वाई एक्स के पॉइंट बताने हैं, मतलब वाई एक्स का पॉइंट बताओ जो इसको क्या हो जाएगा, मतलब वाई एक्स पे कोई पॉइंट आपका हो जाएगा। तो हाँ देखो अब बेटा यहाँ देखो समझो इधर, हमको निकालना क्या है कि जो वाई एक्स वाला पॉइंट है ना, इस पूरी लाइन को, इस पूरी लाइन को किस अनुपात में डिवाइड करता है। तो जाहिर सी बात है हम मान लेंगे एम अनुपात एन के अनुपात में डिवाइड करता है, एम अनुपात एन के अनुपात में डिवाइड करता है। ध्यान देना अगर रेशियो एम अपान एन का रेशियो है, वो पॉइंट आपका वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस पर एक्स बराबर आपका जीरो होता है। तो जाहिर सी बात है ए कामा बी अगर कोई पॉइंट आप लिखते हो तो ए आपका एक्स एक्सिस पर चलेगी, डिस्टेंस आपकी होती है, तो ये वाला पूरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट आपका जीरो हो जाएगा। तो हम क्या मानेंगे यहाँ पर, जीरो कामा बी क्या हो जाएगा, हम मान लेंगे लेट द कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस इज 0.b आपका हो जाएगा। तो सर आपने ए कामा बी क्यों नहीं लिया है, हम कहेंगे देखो बेटा अब वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट कट कर रहा है तो वाई एक्सिस पर एक्स बराबर आपका जीरो होता है, तो ए आपका पूरा जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था, आगे इसको बताते कैसे क्वेश्चन यहाँ पर कैसे किया जाएगा, ठीक समझो इधर, ये अगर आपको समझ में आ गया तो काम खत्म। यहाँ देखो इधर आंसर नंबर 4 की बात करते हैं हम लोग, है तो यहाँ देखो, तो अगर क्या हो जाएगा हम लोग को क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा ना। अब देखो यहाँ क्या कहेगा, हमको करना क्या है, हम लोग लेट द कोऑर्डिनेट, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कोऑर्डिनेट, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अब ध्यान देना अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 0.b मान सकते हो भैया आपका हो जाएगा। और ध्यान देना तो मान लेंगे ये आपका ए पॉइंट है, वो कोई आपका वाई एक्स पे कोई पॉइंट अगर है, और ये आपकी क्या हो जाएगी, वाई एसी पॉइंट से लाइन गई होगी, तो लाइन के कॉर्डिनेट क्या आ जाएंगे आपका बी हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5.6 हो जाएगा। इसको सी मान लो तो क्या जाएगा, -1.-4 आ जाएगा। अब ध्यान देना ये वो लाइन रही होगी जो वाई एक्सिस के पॉइंट ए से होकर जा रही है, अगर वो पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो एक्स बराबर का जीरो हो जाएगा, तो 0.b हम लोग क्या मान लेंगे कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0.b हो जाएगा। और ध्यान देना हम मानेंगे कि ये इस पॉइंट से ये पॉइंट इस लाइन को एम रेशियो एन के रेशियो में यहाँ पर डिवाइड करती है, इतना को समझ में यहाँ पर आ गया होगा। अब ध्यान देना इसको क्या मान लो, इसको x1 y1, इसको x और y मान लो, a वाले को ये आपका हो जाएगा x2, ये आपका y2 हो जाएगा, तो a कितना आपका हो जाएगा, a आपका 0.b हो जाएगा, इसको x और y माना गया है, b कितना आपका आ जाएगा 5.6 आ जाएगा, इसको x1 और इसको y1 माना गया है, और c कितना आपका आ जाएगा, c आपका आ जाएगा -1.-4, ये आपका हो जाएगा x2, ये क्या जाएगा, ये आपका y2 आ जाएगा। अब ध्यान देना इधर समझो इधर, तो इतना समझ में आ गया होगा, इसे हम सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, तो लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला का मार्कर, ये भी मार्कर खत्म, आज सब में इंक पड़ेगी।
आज सब में इंक डालनी है, तो क्या जाएगा x आपका हो जाएगा m x2 प्लस का n x1 अपान में क्या जाएगा ये m प्लस का n आ जाएगा, y वाला क्या जाएगा y वाला आपका आ जाएगा m y2 प्लस का n y1 अपान में क्या जाएगा m प्लस का n आ जाएगा। अगर मैं कहूँ ये आपको रेशियो निकालने हैं ना, ये आपका इससे ही आ जाएगा, इससे आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। अब ध्यान देना, तो अब देखो अगर इसमें वैल्यू पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी जीरो आ जाएगी। m की वैल्यू हमको पता नहीं है, x2 की वैल्यू आपकी माइनस का वन रहेगी, प्लस n की वैल्यू हमको पता नहीं है, x1 की वैल्यू हम लोग कितनी आ जाएगी सिक्स आ जाएगी, फाइव आ जाएगी, ठीक। और m प्लस n आपका ऐसे लिखा जाएगा। ध्यान देना m प्लस n को जब जीरो से डिवाइड करोगे, सॉरी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जीरो हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा माइनस का m ये आ जाएगा प्लस का फाइव n आ जाएगा, माइनस का m जाएगा बाईं ओर तो क्या आ जाएगा आपका प्लस का m आ जाएगा, तो प्लस का m इक्वल आपका प्लस का ये प्लस का फाइव n आ जाएगा। तो m अपान n का वैल्यू क्या आ जाएगी फाइव अपान का वन आपका आ जाएगा, m अपान कितना आ जाएगा पाँच अपान जाएगा आ जाएगा, या इसी को ही m रेशियो n क्या बोलते हैं फाइव रेशियो वन। तो जाहिर सी बात है अब तुम क्या बोलोगे सर हमको रेशियो यहाँ मिल जाएगा, तो क्या जाएगा फाइव रेशियो वन के रेशियो में यहाँ पर डिवाइड करते हैं। आपसे क्या बोला गया अगर रेशियो मिल जाए फिर आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमको ए निकालना है। तो ए कैसे देखो ए ध्यान देना बेटा, ए वाला मतलब ए अगर जो पॉइंट आपको निकालोगे तो एक्स तो आपका हमेशा जीरो रहेगा, क्यों वाई एक्सिस पे कट कर रहा है ना, तो एक्स वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। हमको बी चाहिए तो हम क्या करेंगे वाई वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग लगा देंगे। एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम की वैल्यू आपकी फाइव आ जाएगी फाइव, और वाई टू कितना आपका आ जाएगा वाई टू आपका माइनस का फोर आ जाएगा, प्लस का एन एन की वैल्यू आपकी वन आ जाएगी, ठीक है। और कितना आ जाएगा और वाई वन कितना आपका आ जाएगा वाई वन यहाँ पर सिक्स आ जाएगा, और अपान में एम प्लस का एन तो एम प्लस का एन आपका सिक्स आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू कितनी यहाँ निकलेगी भाई देखो माइनस का ये कितना जाएगा माइनस का थक गए एन की वैल्यू कुछ दे रखी एन की वैल्यू वन है ना, एन की वैल्यू यहाँ पर वन रख दो तो पाँच चौक बीस तो कितना जाएगा ये माइनस का बीस आ जाएगा और प्लस का छः आ जाएगा, अपान में सिक्स यहाँ लिखा रहेगा। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का चौदह बचेगा, ये आपका छः आ जाएगा कट कर लो, तो ये कितना आपका आ जाएगा दो तिहाई छः दो सत्य चौदह, तो माइनस का सात बटे तीन ये आपकी वाई की वैल्यू कितनी जाएगी माइनस का सात बटे तीन। ध्यान देना तो हमारा क्या आ जाएगा एक एक कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, अगर एक निकालोगे तो जाएगा जीरो कामा माइनस का सात बटे तीन, दोस्तों क्या जाएगा ये आपका ए की वैल्यू आ जाएगी, और हमारा ए ही हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्या जाएगा ये वाला क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।